इस आसमान के नीचे और इस जमीन के ऊपर एक इंच जगह भी ऐसी नहीं है जहां आतशो आहन बरसते हों और वो कुफार की सरजमी हो। जहां भी बारूद बरसता है, जहां भी गले चीरे जाते हैं, जहां बदन काटे जाते हैं, जहां आबरू रेजियां होती हैं, वो सारी जगह मुसलमानों की हैं। और ये उम्मत लख्त लख्त है, ये उम्मत जख्म जख्म है, ये उम्मत लहू लहू है। अल्लाह इस उम्मत को फिर बांक बनाता करे। एक वक्त वो भी हमने देखा कि नाहिद नामी एक लड़की ने पुकारा था दैबल के साहल पे, उसकी पुकार पर मोहम्मद बिन कासिम अल्लाह का कहर बन के आया। राजा दाहर की झूठी हुकूमत को ताख्तो ताराज करके रख दिया और अपनी बहन की आबरू बचाई। और आज कितनी बेटियां किसी मोहम्मद बिन कासिम को पुकार रही हैं और कोई उनकी फरियाद सुनने वाला नहीं है। दिल उम्मत के जिक्र के साथ ही एक अजीब दर्द से भर जाता है। बेबस मजबूर लोग दुआ के हाथ उठाते हैं लेकिन हमारी दुआएं भी शायद कबूल नहीं हो रही। और हर तुलू होने वाला दिन इस उम्मत के खून से लुथड़ा हुआ दिन है। अज दीन नबीदा वांग यतीमा घर कर तक्के खावे, कितों लब्बा उम्र बहादर जड़ा रोंदे नू गल लावे। मदीनतुल मुनवरा में हम बैठे थे, वहां दिन रात यही बातें होती। तो वो एक शख्स कहने लगा कि हमारे खानदान के बहुत सारे लोग उधर हैं, तो आरज़ू है कि कश्मीर जल्द आज़ाद हो, हम अपना वतन मालूफ देखें। और मेरे वालिद बूढ़े हो गए हैं तो वो अपने भाइयों को अपनी बहनों को वहाँ जाके मिल सकें। तो मैंने कहा कि ये आरज़ू तो हमारी भी है कि जल्द कश्मीर आज़ाद हो और हम वहाँ डल झील के किनारे खड़े होके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं, हम हजरत बल पे हाजिर हों और हुजूर अलैहिस्सलाम के मुए मुबारक की ज़ियारत करें, हम हजरत शाह हमदान की चौखट पे हाजिरी पेश करें। वो कश्मीर जिसको इकबाल ने कहा था कि गर फिरदौस से बरी बर्रुए ज़मीं अस्त, हमी अस्त तो हमी अस्त तो हमी अस्त, अगर बहिश्त फिरदौस से बरी ज़मीन पे है तो यही है यही है यही है। तो हम उस बस्ती को देखें जिनके बिछड़े हुए अजीज़ वहाँ हैं, अल्लाह उनको बहुत जल्द वो वादियाँ दिखाए, वो अपने घरों में पहुँचे, वो अपने अबाउजदाद की कब्रें जाके देखें। वो बूढ़ा शख्स सैयद अली गेलानी और वो मुजाहिदीन और वो सिसकती हुई माएँ जिन्होंने अपने बेटों को कश्मीर की आज़ादी के लिए पेश किया, वो बच्चे जो यतीम हो गए और वो बेवाएं जिन्होंने अपने उजड़ते सुहाग देखे कश्मीर के लिए, अल्लाह उनकी आंखों को ठंडा करे, अल्लाह उनके दिलों को करार बख्शे और उनके दर्द का मदावा तभी होगा कि कश्मीर आज़ाद हो और सब्ज़ हलाली परचम कश्मीर की सरकारी इमारतों पे लहरा रहा हो। अल्लाह वो वक्त बहुत जल्द नसीब करे।